नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज लहसुन की बात करेंगे और लहसुन के बारे में जानेंगे बॉर्डर पे क्या सिचुएशन चल रही है निर्यात शुल्क लगने के बाद में प्याज के ऊपर। तो लहसुन के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे कि इससे किसी तरह का असर लहसुन पे आया या ना नहीं आया। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा और पूरा देखेंगे तभी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर किसान भाइयों नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वही बात लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर करने के लायक है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निर्यात शुल्क जो प्याज पे लगा है उससे असर लहसुन पे आया क्या है। तो देखिए, पिछले दो दिन से लगा है प्याज पे शुल्क, निर्यात पे शुल्क लग गया है, टैक्स लग गया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई है। तो उसकी वजह से देखिए थोड़ा सा फर्क तो आया है। कारण के सभी लोग एकदम से मतलब समझ नहीं आया उनको क्या करें क्या ना करें, तो उनका जो ध्यान है वो लहसुन और प्याज दोनों से ही हट गया, क्योंकि उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है या उनको क्या करना चाहिए। लेकिन आज से जो है वापस हल्का फुल्का नॉर्मल, और आने वाले दो या तीन दिन के अंदर पूरा नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरीके से पहले लहसुन जा रहा था उसी तरीके से लहसुन वापस निर्यात होना चालू हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि प्याज पे निर्यात शुल्क लगने के बाद में थोड़ा सा लहसुन के अंदर एकदम से गिरावट आई है, जो मैंने आपको बोला उसी कारण से कि सभी लोगों का ध्यान प्याज के ऊपर ज़्यादा चला गया और उस साइड के अंदर बिक्री में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। लेकिन ये बिक्री वापस उतनी ही तेज़ हो जाएगी जितनी पहले थी, और पहले जिस तरीके से निर्यात हो रहा था लहसुन उसी तरीके से वापस लहसुन निर्यात होना चालू हो जाएगा, और साथ में तेज़ी भी ज़रूर बनेगी। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है कि सभी तरह की वैरायटी क्वालिटी जो है बॉर्डर पे पहुंचनी चालू हो रही है, और ये निर्यात जो है मेरे हिसाब से बढ़ेगा, घटने का कोई नाम नहीं है। क्योंकि लहसुन के ऊपर मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, किसी तरह का कोई निर्यात शुल्क नहीं है, ना तो पहले लगता था ना ही आज लगता है, और आगे का मैं बोल नहीं सकता कि आगे लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी तरह का कोई निर्यात शुल्क नहीं है। और जो अभी थोड़ी सी कमजोरी आई है लहसुन के अंदर, रेट जो गिरे हैं इसके, और लेकिन हाँ ये बात बोल सकता हूँ, रेट तो गिरे हैं लेकिन माल निर्यात में कोई कमी नहीं है। सभी बॉर्डरों को मिला करके बोलें तो 30 से लेकर के 50 ट्रक के करीब डेली का लहसुन जो है निर्यात रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। थोड़ा सा रेट गिरने पे भी जो निर्यात है उसी तरीके से ही जा रहा है, मतलब सभी बॉर्डरों को लेकर के 30-40-50 जो ट्रक हैं रोज़ का निर्यात हो रहा है। और आगे आने वाले शायद दो या तीन दिन में, जो मैंने एक प्याज पे जो वीडियो बनाई थी, लहसुन वाले प्याज का वीडियो भी देखते हैं, उसमें मैंने बोला था कुछ जो आयातक हैं उनसे मैंने बात की थी, तो वो खुद बोले हैं कि दो या तीन दिन के अंदर पूरा मार्केट जैसा पहले था वैसा का वैसा उनका बॉर्डर का जो मार्केट है वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उनको हुई कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आगे के लिए, तो शायद वो दो तीन दिन में अपना जो भी स्टेबल करना चाहें जिस तरीके से करेंगे वो लोग, वो स्टेबल उस मार्केट को पूरा कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे उसको, और नॉर्मल तरीके से वापस निर्यात करना भारत से चालू हो जाएगा और बांग्लादेश में आयात निर्यात होना चालू हो जाएगा। निर्यात तो देखिए अभी भी हो रहा है, लेकिन क्या अभी थोड़ी प्याज को लेकर के परेशानी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ ज़्यादा हो रही हैं, इसी वजह से थोड़ा लहसुन जो है स्लो हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है, किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आएगी, और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे भावों के अंदर बॉर्डर पे माल सेल होना वापस चालू हो जाएगा। तो एक बार आपको इसका भाव भी बता देते हैं कि प्याज पे निर्यात शुल्क लगने के बाद में भाव क्या चले। तो इसके जो भाव चले हैं वो चले हैं 117 रुपये से 126 रुपये के बीच में, तो मतलब गिरावट भी अच्छी आई है, कम गिरावट नहीं है, ये अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम लोगों ने रिसर्च और जो लोगों से बात की है बांग्लादेश के लोगों से, बांग्लादेश के आयातकों से, उस हिसाब से साफ जाहिर है कि दो तीन दिन के अंदर वापस भाव नॉर्मल होने के कगार पे आ जाएगा, और नॉर्मल के साथ में तेज़ी भी आ जाएगी। और आयात के अंदर जो निर्यात जो हो रहा है और बांग्लादेश में जो आयात हो रहा है उसमें नेचुरल तेज़ी है, जो मैं बता चुका आपको कितने ट्रक रेगुलरली डेली के जा रहे हैं, जो बढ़ने के ही चांस हैं, घटने के चांस उसमें नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है किसान भाइयों के, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ गए थे कि मेरे को सांप सूंघ गया क्या, लहसुन का वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो भाई साहब जिन्होंने ये कमेंट्स लिखा है उनको बोला भाई सांप नहीं सूंघा, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है
तब तक हम लोग नहीं बनाते, पुख्ता इन्फॉर्मेशन आने के बाद में ही हम वीडियो बनाते हैं, सीधी हवा में वीडियो नहीं बनाते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक किसान भाइयों वीडियो देख लिया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपको लगता हो वीडियो शेयर करने के लायक है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।